हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसा कि आप लोग जानते हो, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है सभी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं और 9 चैप्टर भी आपका ऑलरेडी अपलोड है। तो हम सेमिस्टर 1 का लास्ट चैप्टर समझ लो आप कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर नंबर 8 आपका। ओके, सो इस आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस वाले में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू चेंज इट्स शेप? इज इट अमीबा और वाइट ब्लड सेल और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द गिवन? सो आंसर इज योर सी, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स आर एबल टू चेंज देयर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, पेज नंबर 77 के ऊपर है ये आपका। Who acts as a control center of activities of the cell? So nucleus. Nucleus act as a control center of the activity of the cell. So answer is your A. Next, what did Robert Hooke discover? Then Robert Hooke discovered the cell. So B आपका आ जाएगा आंसर इसके अंदर थर्ड में। Next, fourth, which organelle is essential for photosynthesis in plant? So answer is your chloroplast, answer D, chloroplast. What is the basic structural unit of living organism? Cell, answer is your cell. Cell is the basic structural unit of the living organism. Sixth question, which of the following is the largest animal cell? Is it egg of hen, egg of ostrich, red blood cells of human or nerve cell of the plant? So answer is your egg of an ostrich. ठीक है, egg of an ostrich. Seven, which of the followings are prokaryotes? So answer is your D, that is bacteria and blue green algae. Eight number, who gives the shape and the rigidity to the cell? So answer is your cell wall. Nine, which animal cell is long and branched? Muscle cell, nerve cell, blood cell or bone cell? So answer is your B, nerve cell. Okay, which of the following is absent in an animal cell? So answer is your chloroplast. एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स, ठीक है। मिटोकॉन्ड्रियास होते हैं, रिबोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सो ये आंसर आपका आ जाएगा, एनिमल सेल के अंदर ये चीज़ नहीं होता है, मतलब अब्सेंट होता है। ओके, सो विच सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस? आंसर इज योर ए, नर्व सेल। ओके, ट्वेल्व, which is a unit of inheritance in living organism? So answer आपका आएगा gene. Okay, तो यहाँ पे हमारा question number 1 का 12 question complete होता है। अभी हम question number 2 start करेंगे इसमें। जैसा कि आप लोग जानते हो कि maths का सभी video जो है standard 8th का maths का workbook solution already upload हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो playlist में उसको जाइए और देखिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 77 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिलिप्स, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसके अंदर, साइंटिस्ट डस ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस, दैट इज रॉबर्ट हुक। डस फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन द कैप्चरिंग फूड इन अमीबा, दैट इज आपका सिडपोडिया, ठीक है। थर्ड, नर्व सेल कंडक्ट डैश नर्व इम्पल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टीस्यू।
ओके, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 78 के ऊपर। वहाँ पे आगे के क्वेश्चन हम करते हैं, 2 में जो भी है या फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सब हम सोल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सोल्व करने वाले हैं, तो अभी हम दूसरे पे पहुँचे हुए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, सेकंड क्वेश्चन का 5th नंबर, हम पेज नंबर 78 के ऊपर आगे है। ब्लू ग्रीन अलगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, दैट इज प्रोकैरियोट्स। 6, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल ऑफ लीफ इज नेसेसरी फॉर द डैश प्रोसेस, इट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स ऑफ लीफ। डैश इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव टू कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट आर द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द सेल सरफेस ऑफ अमीबा, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ओके, सेकंड, व्हाट इज द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन, दैट इज स्फेरिकल। रेड ब्लड सेल्स का जो मान लो शेप होता है ह्यूमन के अंदर, दैट इज स्फेरिकल। व्हाट इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे, व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड योर क्लोरोप्लास्ट, सॉरी प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल कॉल्ड, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। एंड व्हाट इज द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। एंड 6th नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज कॉल्ड जीन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जो कि ट्रू फॉल्स है, सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट, मसल्स आर ब्रांच, नो मसल्स आर नॉट इन ब्रांच, दैट्स वाई फॉल्स। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, फॉल्स। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, यस अमीबा हैज इरेगुलर शेप। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यस इट इज अ यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल होते हैं। नेक्स्ट, द मसल सेल्स हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नो इट्स नॉट करेक्ट, दैट्स वाई फॉल्स। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट, यस इट इज ट्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द रेगुलेट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सेल, रॉन्ग। 8th नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन, 4th का, सेवरल प्लास्टिड्स आर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स ऑफ ट्रेसेंटिया, दैट इज कॉल्ड, ओके राइट इट इज ट्रू। नेक्स्ट 5, यहाँ पे हमारे 5th नंबर के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th में देखो, यहाँ पे आपको रीड करके बोलने का मतलब है, कोई अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आता है यहाँ पे, तो आप बोलने पे उसका स्पेलिंग अच्छे से राइट कर सकते हो, ठीक है, कोई अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आता है तो। 5th में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 sentences। फर्स्ट क्वेश्चन इस पेज पे है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, टोटल 15 क्वेश्चन है इस 5 क्वेश्चन के अंदर। फ्रॉम व्हाट डज एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ, एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल विच इज फर्टिलाइज्ड एग और जायकॉट। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ ऑन पेज नंबर 79 चल रहे हैं, वहाँ पे हम बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 79 के ऊपर।
सेकंड क्वेश्चन हमारा फिफ्थ का, फर्स्ट हमने वहाँ पे सॉल्व किया था। चलिए यहाँ पे क्या है, स्टेट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो आंसर इज योर अमीबा एंड पैरामीशियम आर द टू एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड क्वेश्चन, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल। सो द आंसर इज योर द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। सो इट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इज इट इज इट ट्रांसफर सॉरी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स वाया जीन्स लोकेटेड ऑन इट। इट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। नेक्स्ट, वेन डू सुडोपोडिया अपियर इन अमीबा। सुडोपोडिया अपियर इन अमीबा ड्यूरिंग मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। जब मूवमेंट करते हैं कैप्चर करने के लिए फूड को, तो वहाँ पे सुडोपोडिया बनता है। ठीक है, सेवन, स्टेट द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन। इन ह्यूमन द रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप। नाउ वॉट इज टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर, वॉट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। आंसर, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, टेन नंबर, अगेंस्ट विच फैक्टर द सेल वॉल प्रोटेक्ट प्लांट सेल्स। द सेल प्रोटेक्ट प्लांट सेल्स अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। 11 नंबर, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन ईकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन ईकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, बाय हुम आर पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग। बाय जीन्स पेरेंटल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो हियर वी कंप्लीटेड 12 नंबर क्वेश्चंस। नाउ 13, विच स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। सो द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। नेक्स्ट 14th, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सो द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ओके, सो 15, हु प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। आंसर, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1-5 हमने कंप्लीट किया वर्कबुक का। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पहले की वीडियो आप देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैथ्स और साइंस के वर्कबुक का सॉल्यूशन देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आगे का सॉल्व करेंगे।